कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के बाद एक प्रकार से जयपुर में उबाल आ गया है। कर्णी सेना के हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इस वक्त हम जयपुर के उस मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर हैं जहां पर लोगों की भारी भीड़ है। कर्णी सेना से ही जुड़े हुए नेता यहां पर हमारे साथ हैं। सूरज जी, ये बताइए कि आप लोग यहां पर हैं, आपने पहले भी ये बताया कि हम सुरक्षा की मांग उनके लिए कई बार कर चुके थे, फिर भी क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा था? सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। 17 तारीख आज से मिनिमम एक साल पहले हमने दादा का, मेरे पास कॉल आया कि अपन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि दादा को पाकिस्तान से धमकी मिली, अनेक राज्यों से धमकी मिली। हम सारे पदाधिकारियों को एकत्रित हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष आए, सारे प्रदेश अध्यक्ष आए, महाराष्ट्र महासचिव जितने थे मैं भी आया, और आने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर हमने यहाँ की सरकार को जगाने की कोशिश की। गहलोत साहब से हमने निम्र निवेदन किया, लेटर लिखा कि दादा को यहाँ से धमकियाँ मिल रही है और इस पर जाँच किया जाए। तो कुछ बात पता लगी कुछ दिन के बाद, ये तो वर्चुअल नंबर पुलिस कहती। वर्चुअल नंबर मतलब हम नहीं समझते हैं, हम तो ये समझते हैं कि आवाज तो हल्लो आई ना, तो वो आई ही कहां से? क्या सैटेलाइट इतना हमारा कमजोर है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है कि वो फोन को नहीं पकड़ पाए? क्या उनकी धमकियों को नहीं पकड़ पाए? यदि उन धमकियों का जवाब उस वक्त मिल जाते तो दादा आज हमारे यहां पे मौजूद होते, हमारे साथ होते। उस वक्त कहा गया कि ये वर्चुअल नंबर है, जांच चल रही है। हमने कहा कि आप जांच कीजिए, आपकी जांच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें सुरक्षा तो दीजिए। तो इनकी जू तगात नहीं रहेगी। एक हवलदार ने दिया, दो हवलदार ने दिया, कोई सिक्योरिटी की मान नहीं हुई। फिर अगले महीने फिर हमने पदाधिकारियों ने मीटिंग करके हमने कोशिश की कि क्यों ना हम राजपूत एकता इनको फिर से दिखाएं, और हम सब ने केसरिया महापंचायत की, और केसरिया महापंचायत का एक ही एजेंडा था कि दादा सुखदेव दादा को हमें उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड मिले, उनके परिवार को सिक्योरिटी मिले। और कई अनेक धमकियां दुश्मन उनकी साजिश पर साजिश रचते जा रहे थे, यहां तक कि पता लगा था कई हथियार उनको मारने के लगातार आते जा रहे। वो हथियार कहां से आए, उसके पास कहां से जवाब हुआ? और फिर भी जूनी रंगी, क्योंकि इन्हें अपनी सत्ता का रंग में और अपनी सत्ता में गहलोत साहब इतने मगन थे कि उन्हें यह नहीं पता चला कि एक शूरवीर राजपूत को एक छोटा सा हवलदार दिया जाए। हवलदार ने तकात नहीं दिया। सुरक्षा आज का दिन उन्हें खुशी मिल रही होगी, क्योंकि उन्हें सोची समझी साजिश से यह हत्या हुई नहीं, करवाई गई है। हुई नहीं, हुई नहीं, हुई नहीं। मेरी पहली डिमांड उस फैमिली को सबसे पहले जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। दूसरी डिमांड, हमारी छोटी छोटी भतीजी, एक 8 साल की, एक 12 साल की भतीजी का भविष्य उज्जवल क्या होगा? कौन है उनके साथ लड़ने वाला? कहाँ है उनके? कोई ही नहीं, हमारे अलावा कौन है? यदि हम नहीं लड़ेंगे, हम राजपूत नहीं लड़ेंगे, तो हम कौन लड़ेगा? क्या दादा का इतना कसूर था कि जम्मू कश्मीर में जाकर तिरंगा को लहराना? क्या दादा का इतना कसूर था कि इन शूरवीरों के खून में एक रफ्तार दौड़ते हुए हिंदुत्व को जगा के तिलक करना क्या होता, ये सिखाना होता? और ये सिखाना होता कि राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र होता, राष्ट्रपुत्र की परिभाषा होती सारी समाज में हम समाज आए, और सारी समाज में हम समाज है, और सारी समाज हमें समाज है? क्या ये दोष था? क्या तिरंगा लहराना दोष था? क्या भगवा का लहराना दोष था? क्या हमारी माता बहनों पर आवाज उठाना दोष था? क्या हमारे इन फिल्मी हो सकता है? ओ माय गॉड, हो सकता है। मैं कहता हूँ ये फिल्मी दुनिया का भी राज हो सकता है, क्योंकि दादा ने चुन चुन के हमारे इतिहास चोरी करने वाले को, और चुन चुन के इतिहास को बदमाशों को, जो बगाड़ने वालों को तमाचा मारा था, हो सकता उसकी साजिश हो? तो इस पर जांच क्यों नहीं हुई? मैं कहता हूं इस पर जांच नहीं, सीबीआई, और मैं ये कहता हूं अन्य सारी एजेंसियां इस पर लगा दी जाए, तो ये भारत देश में शांति और अमन रहेगा। था हम राजपूत हैं, बिगड़ गए ना यहां से तो संभलने वाले नहीं है। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, और सिंपल ये न्याय चाहिए। चार बातें, इन बातों में सोचा जाए, हमें कुछ क्या डिमांड है? और गैंगस्टर गोदारा, जो रोहित गोदारा है, उसने इसकी जिम्मेवारी ली है एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी करके। तो ये तो सरकार समझे कि जवाबदार ले रहा है, तो सोशल मीडिया कहाँ से चल रही है? ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात कही, सोशल मीडिया चल रही है। टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है हमारी, अरे टेक्नोलॉजी तो इतनी कि आपके कपड़े के अंदर क्या, मेरे कपड़े के अंदर क्या, इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, तो फिर वो पोस्ट हुई कहाँ से? वो कहाँ से आ रहा है सब कुछ? क्योंकि दादा को, उनको चाहते थे कि दादा को किसी भी तरह से खत्म करें, क्योंकि दादा गौ माता का मुद्दा उठाते थे, दादा हिंदुत्व का मुद्दा उठाते थे, दादा फिल्मी दुनिया में हमारे इतिहास को तोड़ने वाले को थप्पड़ मारते थे, हमारे हमारे इतिहास को चोरी मारने वाले को समझाते थे, दादा हिंदुत्व के उन बच्चों को ये सिखाते थे कि तुम हिंदू हो और तुम राजपूत हो, राजपूत जिन्हें रियासत दान दिए इतने कमजोर नहीं है, इन्हें आरक्षण दिया जाए और सर्व समाज अधिकार दिया जाए, सबको कॉमन कर दिया जाए। इन मुद्दों को शायद हो सकता है इनमें से एक मुद्दे वाले ने साजिश रख सरकार से मिलकर प्रॉपरली, गैंगस्टर से मिलकर प्रॉपरली जवाब दिया,
ये समझ में नहीं आ रही हमें क्या? ये तो साफ साफ ही, जब सरकार को पता था, ये तो जब आपने बोला कि सरकार को मालूम था, क्यों नहीं एक्शन लिया? तो मैं तो ये तो मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, उस सरकार से पूछना चाहता हूँ जो पिछली सरकार थी, मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री थे, मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ जो गृह मंत्री थे, मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ कि दादा जिस विधानसभा में रहते वो विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ उस थाना प्रभारी से, उस थाना प्रभारी से पूछना चाहता हूँ, मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ कि उस थाना प्रभारी से कि भैया ये क्यों, कहाँ से, ये कहाँ से पनप रहे माफिया, ये कहाँ से पनप रहे माफिया। और एक और बात बताना चाहता हूँ, हमने अभी उग्र आंदोलन नहीं किया, हमारा नाम से हो सकता कोई कर दे, हो सकता कोई कर दे, उसकी जांच, उसकी चीजें, उसकी समस्याएं, उनकी चीजें समझे। और यदि ये मीडिया चाहती है ना, तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, सच का साथ देकर उदेड़ कर फेंक दो, ये मौका है राष्ट्रभक्ति का कि एक इंसान को सफाई और उसको न्याय दिलाने का। सूत्र ये बता रहे हैं कि दो लोगों को पकड़ा गया है, जो दो आरोपी थे उनको पकड़ लिया। ओहो, कितनी अच्छी बात है, पकड़ा है, कहां है, किसके पास है? अभी ऑफिशियल नहीं स्टेटमेंट दे रहे। क्यों नहीं दे दे स्टेटमेंट? आ जाए कोई, या मुखिया कोई हमें बता दे, ये पकड़ा है, ये इस कस्टडी में, हम कैसे मान सकते कस्टडी में? और यदि हमें फिर गोली दे दी तो, जैसे हम बैठे थे पत्रकारों के बीच में कि हमें चाहिए सुरक्षा, तो सुरक्षा के बदले में क्या मिला? आश्वासन। जिला हमारे केसरिया पंचायत में क्या मिला? आश्वासन। उसके पहले क्या मिला हमें? समाज के लिए क्या मिला? तिरंगा रहने की क्या मिला? गोली। वाह वाह। और फिर भी हमें ऐसे देखे कि वो तो नहीं आए, और फिर कल मुझे टारगेट करे, ये इंसान, इन्हें देखो, इतने इतने इस इंसान को देखो जिन्होंने एक महूम चढ़ गई कि बहन बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं हो, और दहेज विरोधी इकाई का राष्ट्र अध्यक्ष बनकर सभी समाज के सभी बच्चों की सभी बेटियों को बचाने का लक्ष्य इन्हें गलत लिया है। अब सुखदेव जी का जो शरीर है वो अंदर है और पोस्टमार्टम होना है, दाह संस्कार होना, तो आप लोग किस तरह से शरीर नहीं कह सकते हम उन्हें, वो हमारे रोम रोम में बसे हैं, वो वहाँ ही नहीं, वो हम में अंदर है, आज वो हमारे अंदर है, हम कहते हैं वो है, हम हैं और हम हैं, और यदि उन्हें इंसाफ नहीं दिला सके तो हमें रहने का कोई बेकार नहीं, हम तो खुद जैसे कहते सती होती थी, हमें तो खुद को आग जला के मार देना चाहिए, फिर हम दादा को हम अग्नि समर्पित नहीं करेंगे जब तक हमें पांच तो हमारी मांगे। नंबर वन, सबसे पहले हमारे परिवार को जेड प्लस सिक्योरिटी, और हमारी दोनों भतीजियों को न्याय दिला जाए। छोटी छोटी भतीजी है, एक 12 साल की, एक 8 साल के, उसके भविष्य उज्जवल हो। हमारी माँ जैसी समान, सीता समान, हमारी भाभी को सुरक्षा के साथ उसका उज्जवल भविष्य, और साथ में गारंटी कि ऐसे किसी पद अधिकारी के साथ नहीं किया जाए विथ लेटर, और ऐसे पद अधिकारी, ये भी राष्ट्र अध्यक्ष है, और जरा सी भी भनक मिली तो इन्हें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मेरे को तो मेरी सिक्योरिटी काफी है, मैं भी रखता हूँ, अपने लेवल में रखता हूँ, लेकिन दादा ये सुरेश सिंह है, और इनका ये पूरा दावा है कि इस पूरे मामले पर जब तक सरकार या पुलिस प्रशासन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती, उनका गिरेबान नहीं खींच पाती है, तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे।